वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जाने वाले 27th आईपीएल मैच के बारे में। तो कुछ स्टैट्स पे नज़र डालते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो हालांकि ये मैच अरुण जेटली स्टेडियम में है न्यू दिल्ली के, जहाँ पे चेन्नई और मुंबई दोनों ने एक एक मैच का एक्सपीरियंस कर लिया है, तो इस पर कोई किसी को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है क्योंकि ये होम ग्राउंड दोनों में से किसी टीम का भी नहीं है। टोटल 32 मैच खेले गए हैं जिसमें से मुंबई इंडियंस ने 19 जीते हैं और सुपर किंग्स ने 13। तो हालांकि यहाँ पे पड़ रहा मुंबई इंडियंस का भारी है, पर अगर न्यूट्रल वेन्यू की बात करें जहाँ पे किसी टीम को बेनिफिट होता है, तो मुंबई इंडियंस ने 7 जीते हैं, सुपर किंग्स ने 8 आउट ऑफ 15 मुकाबलों में। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पहले से कि कौन जीत सकता है, बट हाँ दोनों का पलड़ा भारी है, मतलब बराबर समझ सकते हैं। तो अगर बात करते हैं कि मुंबई और चेन्नई के बीच में खेले जाने वाले मुकाबलों में सबसे अधिक रन, मतलब सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसी प्लेयर का है, तो वो सुरेश रैना का है। 30 बार टॉप स्कोरर रह चुके हैं सुरेश रैना। की बात करें तो लातिस मलिंगा, जो कि इस बार तो खेल नहीं रहे हैं। तो आगे बात करते हैं पिच की बात करें तो अगर 2021 आईपीएल की बात करें तो अब तक इस पर ज़्यादा मैच हुए नहीं हैं, बट डिफेंड करने वाली टीमों ने दोनों बार मैच जीता है, और एक बार चेन्नई ने मैच जीता है और एक बार मुंबई ने मैच जीता है। तो पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे बैट्समैन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और बॉलर्स को कुछ खास फ़ायदा नहीं है, ना ही स्पिनर्स को और ना ही फास्ट बॉलर्स को। तो ये नहीं कह सकते कि ये पिच स्पिनर्स के लिए या फिर सीमर्स के लिए या फास्ट बॉलर्स के लिए है, ये पिच इक्वल है दोनों के लिए। लेकिन हाँ, ये देखा गया है कि पहली पारी में विकेट एज़ कम्पेयर टू फास्टर स्पिनर कम लेते हैं और दूसरी पारी में स्पिनर थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। हालांकि ये कुछ खास बड़ा गैप नहीं है, नॉर्मल समझ सकते हैं, इक्वल गैप है, दोनों को मिला देंगे तो इक्वली गैप आएगा। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 171 रन, जो कि हमने दोनों मैचों में देख लिया है आईपीएल के, और चेजिंग टीम दोनों बार जीत रही है इस साल। तो टॉस ही बनाएगा बॉस, और टॉस जो जीतेगा वो पहले बॉलिंग करने का फैसला ज़रूर लेगा। मुंबई की प्लेइंग 11 पर नज़र डालें तो सेम होने वाला है, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, करण पोलार्ड, कुणाल पांड्या, नेथन कुंटल, नायर को मे भी हटा के दोबारा ईशान किशन को ला सकते हैं, और अगर किसी फॉरेनर ऑलराउंडर को लाया जाए तो जिमी नीसम को भी मौका मिल सकता है। राहुल चैर खेलेंगे, जयंत यादव मे भी, ट्रेंट बोल्टर भी पूरा खेलेंगे। चेन्नई सुपर किंग के स्क्वाड की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड, फाफ डुप्लेसी, मोइन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, एमएसडी, रविंद्र जडेजा, सैम करन, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, लुंगी नगीडी। तो यहाँ पे हो सकता है अगर ब्रावो के लिए जगह बनती है तो नगीडी को बाहर जाना पड़ेगा, पर नगीडी ने अच्छा काम किया है अब तक, तो मे बी। और शार्दुल ठाकुर हालांकि काफ़ी ज़्यादा रन दे रहे हैं, विकेट कम ले रहे हैं, तो बट फिर भी धोनी को हम सब जानते हैं, धोनी अपने प्लेयर में विश्वास चलाते हैं, तो हो सकता है कि ये सेम प्लेइंग 11 हमको नेक्स्ट मैच में खेलने को मिल जाए। उसके बाद प्रॉब्लम सबसे बेहतरीन जो बैट्समैन आप बात कर सकते हैं आज के मैच में जो होने वाले हैं, वो फैफ डुप्लेसी हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग तरफ से, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं और हर मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं। तो फैफ डुप्लेसी एक कैप्टन के लिए अच्छे चॉइस हो सकते हैं। मुंबई की तरफ से बात करें तो जसप्रीत बुमराह एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, हो सकता है कि वो अच्छा करके दिखा दें। हालांकि पिछले मुकाबलों में, मतलब पिछले 6 मुकाबलों में सिर्फ 5 विकेट ही लिए हैं, तो फिर मतलब उतना बढ़िया फॉर्म नहीं दिखा है जो हम उम्मीद करते हैं जसप्रीत बुमराह से, बट हो सकता है कि इस मुकाबले में वो एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। डिकॉक, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई है मुंबई की तरफ से, तो हो सकता है इस मैच में भी उनसे एक बड़ी पारी आ सकती है। और अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के मैच में कौन जीत रहा है, तो ये बस मेरा अपना एक्सपीरियंस कह रहा है कि चेन्नई सुपर किंग मैच जीत सकती है। अगर टॉस जीतते हैं तो ज़रूर गेंदबाजी का फैसला लिया जाएगा, और फर्स्ट इनिंग का स्कोर कुछ 160 से 170 के बीच में बनता है, 170-175। तो अगर पहले बल्लेबाजी करेगी मुंबई इंडियंस तो 180 प्लस का टारगेट दे सकती है, और यहाँ पे हम सब जानते हैं कि चेज़ काफ़ी अच्छे से हो रहा है, तो अगर 170-175 के आसपास है तो फिर हम कह सकते हैं कि चेन्नई चेज़ कर लेगी। ज़्यादा होगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में कितनी धार है, तो ये चीज़ देखने को मिल सकता है। फैफ डुप्लेसी और क्विंटन डिकॉक एक अच्छे कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार हो सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रीम इलेवन पे टीम बना के, तो आइए चलते हैं। विनिंग टीम 11 पे एक नज़र डालते हैं, तो MI और CSK के बीच टीम बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सबसे पहले हम वही प्लेयर्स लेंगे जो अच्छा कर सकते हैं, जिन पर हमें पूरा भरोसा है। तो क्विंटन डिकॉक पे पूरा भरोसा है हमें, फैफ डुप्लेसी पे पूरा भरोसा है, ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे फॉर्म में है, मोइन अली को जरूर लीजिएगा, इनको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे दावेदार हो सकते हैं।
ट्रेंट बोल्ट और बुमराह में से किसी एक को लीजिएगा। हालांकि मैं करंट फॉर्म देख के ट्रेंट बोल्ट को ले रहा हूँ, बुमराह की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, तो आप चाहें तो बोल्ट की जगह बुमराह को ले सकते हैं। और आपके पास क्रेडिट का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो फिर आप दोनों को ले सकते हैं। दीपक चार को मैं लूँगा क्योंकि ये गुच्छे में विकेट गिराते हैं। लुंगी नगीडी को लूँगा, लुंगी नगीडी डेथ ओवर्स में आके विकेट जरूर गिराते हैं और मुंबई इंडियंस की तरफ से आजकल काफ़ी विकेट गिर रहे हैं डेथ ओवर्स में, तो नगीडी को बिल्कुल मत छोड़िएगा। हालांकि अगर ब्रावो आ जाते हैं तो इसको एक्सचेंज कर दीजिएगा नगीडी और ब्रावो के बीच में, राहुल चेयर को जरूर ले लीजिएगा। तो ये टीम मेरी तरफ से है अभी तक, ये देख लेते हैं। हाँ, ये बेहतरीन मेन प्लेयर ये हो चुके हैं, अब बाकी प्लेयर्स को और लेते हैं। तो रोहित शर्मा को जरूर लीजिए और सूर्यकुमार यादव को जरूर लीजिएगा। ये दोनों प्लेयर अच्छे फॉर्म में भी हैं और कुछ ज़्यादा रन बना के भी दे रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे फॉर्म में, इनको ले लीजिएगा। अगर ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए अंबाती रायडू एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि अंबाती रायडू मुंबई की टीम में खेल चुके हैं तो मुंबई के बॉलर्स को खेलने का अच्छा एक्सपीरियंस भी है इनके पास और अच्छे फॉर्म में भी हैं। हालांकि कम गेंद खेल रहे हैं लेकिन रन उस हिसाब से लगभग 180 या 200 की स्ट्राइक रेट से बना रहे हैं, तो अंबाती रायडू एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। और करण पोलार्ड, इनकी बैटिंग ज़रूर आ रही है। हालांकि आज के मैच में अगर जो ईशान किशन खेलते हैं तो फिर ईशान किशन एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, नहीं तो करण पोलार्ड को ले लीजिएगा। और ये टीम हमारी बन गई। यहाँ पे आप एक और चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, करण पोलार्ड की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को भी ले सकते हैं, हालांकि वो अच्छे फॉर्म में है। और महेंद्र सिंह धोनी को भी ले सकते हैं, मैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि मुंबई इंडियंस की तरफ से विकेट ज़रूर गिरेगी तो धोनी की बैटिंग ज़रूर आएगी। तो धोनी की बैटिंग, अगर धोनी का बल्ला चल गया तो फिर आप सभी जानते हैं, तो धोनी को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, ये टीम मेरी होने वाली है। और आप चाहें तो इसमें से क्या चेंज कर सकते हैं, आप इसमें से एक चेंज कर सकते हैं, ये ट्रेंट बोल्ट की जगह बुमराह को ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप रविन जडेजा की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर आप एक ऑलराउंडर निकाल के रविन जडेजा को ले सकते हैं। हालांकि मैं रविन जडेजा की तरफ से इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुंबई इंडियंस में गुच्छों में विकेट नहीं गिरती है, तो फिर ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर की वजह से हम मुंबई इंडियंस जीत जाएंगे, तो इसलिए मैं मोइन अली के साथ जाना चाहता हूँ जो बल्ले और गेंद दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगे। हालांकि रविन जडेजा एक ख़राब ऑप्शन नहीं है, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, दो मैचों में उन्होंने अकेले सारे पॉइंट्स लिए हैं। तो ये मेरा कुछ टीम हो गया। और अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो आप फैब डु प्लेसी या फिर क्विंटन डीकॉक में से किसी एक को कैप्टन बना सकते हैं। मैं फैब डु प्लेसी की तरफ जाना चाहता हूँ और वाइस कैप्टन के लिए मैं मोइन अली की तरफ जाना चाहता हूँ। ये थोड़ा एक तरफा टीम लग रहा है क्योंकि पहले से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि चेन्नई जीतेगी, तो इसलिए एक तरफा टीम लग रहा है। मुंबई इंडियंस भी जीत सकती है, तो आप दूसरा वाइस कैप्टन के ऑप्शन में डीकॉक को ले सकते हैं या फिर रोहित शर्मा को ले सकते हैं। और सेफ खेलना चाहेंगे तो सूर्यकुमार यादव को ले सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं वाइस कैप्टन के हिसाब से, लेकिन पिछले कुछ मैच में किसी में विकेट ले रहे हैं किसी में नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं ट्रेंट बोल्ट पर नहीं जाना चाहूँगा। तो सेफ खेलने के लिए आप सूर्यकुमार यादव को कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ भी बना सकते हैं और डीकॉक भी कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे दावेदार हो सकते हैं। हालांकि मैं फैब डु प्लेसिस और मोइन अली पर जाना चाहूँगा। आपके लिए बेटर ऑप्शन बता देता हूँ कैप्टन के लिए, फैब डु प्लेसी और क्विंटन डीकॉक और सूर्यकुमार यादव, इन तीनों में से किसी को भी कैप्टन बना दिए वो बिल्कुल सेफ है। वाइस कैप्टन के ऑप्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ रोहित शर्मा, मोइन अली और हाँ, इन दोनों में से किसी के साथ जा सकते हैं वाइस कैप्टन के ऑप्शन में। तो मेरी टीम ये हो रही है। हालांकि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या, बस बेस्ट ऑफ लक और जीतिए, पैसे कमाइए। हाँ, चलिए ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना ज़रूर।